इस देश में हमेशा इस पर्व को खूब मनाते हैं। खासतौर हम ब्रज भूमि में हैं, तो ब्रजवासियों के लिए मेरा ये शुभकामना है और हमारे जीवन का एक मिसाल है कि लोगों को हम इस होली के रूप में हम इसलिए मनाते हैं। इसमें स्नेह है और जो भी हमारे आपस में भेदभाव हो और सबको भूलकर हम आनंद से हम एक दूसरे का प्यार करते हुए स्नेह रूप से हम लोग ये होली मनाते हैं। और कृष्ण का जो भूमि में हम लोग यहाँ हैं, तो राधा कृष्ण का जितना हमारे जो प्यार है, उनके जो आस्था है लोगों में, ये भूमि बहुत धन्य है और यहाँ पे होली खेलना एक अद्भुत फीलिंग है। क्या हेमाजी अभी सांसद हैं, 2024 में आपका क्या लगता है, कहाँ से आप चुनाव आप सोच रहे हैं? जी और हमारे बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं? नहीं नहीं, यानी कहाँ से आप जा रहे हैं? बाहर के लोगों को ही चुना है, इसलिए कि आपकी इच्छा है कि आप मथुरा से चुनाव? कृष्ण की नगरी में ऐसे हमारे हैसियत नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। हमारा और हेमाजी का बहुत स्नेह है और हमारे बीच में लड़ाई मत कराइए। और हेमाजी अभी भी सांसद है, सांसद रहेगी। जो कुछ भी हम फिल्मों के अलावा भी हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हेमाजी हमारे लिए बड़ी बहन है, तो हम इनके हमारे बीच में लड़ाई आप मत कराइए। और आगे का जो चुनाव है, मुझे रामपुर से लोगों ने मुझे परिचय दिया है और आगे अगर मुझे कहीं पे भी अगर लड़ना हो तो वो शीर्ष नेता लोग पार्टी में बीजेपी के हैं, तो उनका निर्णय पर आधारित। रामपुर की आपने बात की, आजम खां को लेकर और उनको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कह दिया कि मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ बीजेपी को, इसलिए मैं यहाँ इसलिए हूँ कि इस पार्टी में कि महिलाओं को रक्षा करना, महिलाओं का उनके बारे में उनको उनके लिए सम्मान करना बीजेपी में बहुत हमारे लिए हुआ है। क्योंकि मैं सोचती थी कि समाजवादी पार्टी में जब थी तो उस समय पे मैं अकेले एहसास करती थी, मुझे कोई रक्षा करने वाले नहीं होता था। लेकिन आजम का खेल ख़त्म, तो आजम अभी वोट देने के लिए भी या वोट डालने के लिए भी उनका हक नहीं रहा। मैं आदरणीय अदालत को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सही समय पे उन्होंने इस तरह का जो आदेश मिला है और आजम को जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो मिल चुकी है। बट एक सीख है लोगों को, अगर राजनीति में भी एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। अगर आप हेट स्पीच देंगे या दूसरों को दूषित करेंगे या दूसरों के बारे में गलत टिप्पणी करेंगे, तो जैसे आजम को हुआ है वैसे सबको। मैं भारत देश में भारत की बेटी मानकर मुझे गर्व एहसास होती है। तो रामचरितमानस को ये हमारे भारत देश में हम सनातन धर्म को मानते हैं और ये राम जन्मभूमि है, तो राम हमारा भगवान है, तो उनके लिए कदर करना, उनका उनके ऊपर आस्था रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैडम आप गृहस्थी हैं, भाजपा जब चुनाव आते हैं तो महंगाई घटा देती है, वैसे महंगाई रोकने में नाकाम है? देखिए ये सब तो चुनाव में तो कहते हैं, लेकिन हमने सापा में भी जब रही तो हमने भी देखा है कि किस तरह का अखिलेश का राज है और किस तरह जो है समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो किस तरह लोगों को और जो है आतंक के लिए जो बढ़ावा देते थे, जो क्राइम के लिए बढ़ावा देते थे। तो ये मतलब अभी ये कहने के उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके ज़माने पे इनके जो सरकार थी तो जंगल राज होता था, लड़कियों को बाहर जाने में तकलीफ होती थी। वो बच्चे बाहर जाती है, स्कूल जाती है, तो माँ बाप के लिए अंदर कितना डर होता था, धड़कन होता था, हमें पता है क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन आज एक रामराज हमारे भारत देश में हम एक स्थिर रखने के लिए, हम लोग महिलाओं को सम्मान देने के लिए पूरी कोशिश है। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं आदरणीय मोदी जी को और अपने जो योगी जी को भी, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति जो भारत देश में हम लोग उनको सर उठा के आज G20
हमारे भारत देश में मनाने के लिए वहाँ यहाँ पे G20 को यहाँ पे ला रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।